फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो है नथिंग फोन 2A आ चुका है, मतलब जो स्पेसिफिकेशन वगैरह है वो सब यहाँ पर निकल कर आ चुका है। और जो लीक्स वगैरह आ रहा था तब मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि लीक्स में जो डिज़ाइन वगैरह दिखाया जा रहा था वो सारे अलग अलग डिज़ाइन में था, बट यहाँ पर जो है फाइनल जो डिज़ाइन है वो निकल कर यहाँ पर आ चुका है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो है नथिंग फोन 2 से जो है थोड़ा सा अलग यहाँ पर डिज़ाइन हमें देखने को मिला है। और आज के इस वीडियो में हम जो है स्पेसिफिकेशन वगैरह सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे नथिंग फोन 2A के बारे में। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं डिज़ाइन के बारे में। तो जो डिज़ाइन यहाँ पर हमें देखने को मिला वो बिल्कुल न्यू स्टाइल में यहाँ पर डिजाइन देखने को मिला। पहले जो है आप लोगों को ग्लिप्स लाइट थोड़ा नीचे की तरफ देखने को मिलता था, बट यहाँ पर नथिंग फोन 2A में जो ग्लिप्स लाइट है वो कैमरे के अराउंड हमें देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर डायमेंशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा डायमेंशन देखने को मिल जाता है, और साथ में यहाँ पर जो है IP54 रेटिंग देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर डस्ट प्रूफ भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों नथिंग के स्मार्टफोन में पहले हमें जो है यहाँ पर ग्लास बैग देखने को मिलता था, बट पहले बार हमें जो है यहाँ पर प्लास्टिक बैग देखने को मिला है, और इसी कारण जो है इसका वेट में भी मतलब बहुत कम वेट इसका निकल कर आता है। और दोस्तों यह जो स्मार्टफोन है ब्लैक एंड व्हाइट दो कलर में हमें देखने को मिलता है, तो जो भी आपको यहाँ पर अच्छा लगता है वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है हमें 6.7 इंचेस का जो है एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और ऑब्वियसली यहाँ पर जो है फुल HD प्लस डिस्प्ले है, और यहाँ पर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 1300 निट्स ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, और हाँ ऑब्वियसली यहाँ पर जो है HDR10 का सपोर्ट हमें देखने को मिलता है, और साथ में यहाँ पर जो है हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी हमें देखने को मिल जाता है। और हाँ डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी वगैरह हमें अच्छा देखने को मिल जाता है। आप अगर कंटेंट वगैरह वॉच करते हैं तो यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है MediaTek Dimensity 7200 Pro चिपसेट यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस आप लोगों को अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। और आप लोग अगर गेमिंग वगैरह यहाँ पर करना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन नो डाउट यार अच्छा खासा आप लोगों को गेमिंग यहाँ पर करा देगा। और हाँ यहाँ पर जो है नथिंग फोन 1 से थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, मतलब नथिंग फोन 1 से ये स्मार्टफोन थोड़ा सा अच्छा है। दोस्तों यहाँ पर रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है अप टू 12 GB यहाँ पर हमें रैम देखने को मिल जाता है, और साथ में यहाँ पर जो है 8 GB वर्चुअल रैम भी देखने को मिल जाता है, मतलब यहाँ पर जो है आप 8 और 12 यहाँ पर मिलाकर जो है लगभग 20 GB रैम यहाँ पर, मतलब 20 GB यहाँ पर रैम आप लोगों को मिल जाता है। तो 20 GB यार यहाँ पर बहुत ही ज्यादा होता है, और जो रैम होगा दोस्तों वो LPDDR4X रैम होगा, और साथ में दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोगों को अप टू 256 GB यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है, और जो स्टोरेज टाइप होने वाला है वो UFS 2.2 होने वाला है, मतलब यहाँ पर जो है डाटा रेट राइट स्पीड जो है आप लोगों को थोड़ा सा कम मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है नथिंग फोन 2A में हमें यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन 14 के साथ नथिंग OS 2.5 देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट और साथ ही साथ 4 साल का हमें सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर जो है अच्छा खासा अपडेट मिलता है। और जो UI है दोस्तों वो काफी क्लीन है, मतलब ब्लॉटियर वगैरह आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर बैटरी रिप्लेसमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है 5000 mAh का हमें बैटरी देखने को मिल जाता है, और साथ में यहाँ पर जो है 45 W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है USB Type-C पोर्ट देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है नथिंग फोन 2A में डुअल सिम सपोर्ट देखने को मिलता है, नैनो प्लस नैनो, और यहाँ पर जो है अच्छा खासा 5G बैंड देखने को मिल जाता है, और साथ में यहाँ पर जो है वाईफाई 6 देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर NFC भी सपोर्ट करता है। दोस्तों यहाँ पर मल्टीमीडिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है हमें स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा है, और यहाँ पर जो है लाउड स्पीकर देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है, और साथ में यहाँ पर जो है आप लोगों को 3.5 mm जैक भी देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों यहाँ पर कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो नथिंग फोन 2A यहाँ पर जो है डुअल कैमरा सेटअप के साथ आता है, यहाँ पर जो है 50 MP वाइट एंगल प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है, और साथ में 50 MP अल्ट्रा वाइट एंगल सेंसर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर ISO सेल सेंसर हमें देखने को मिलता है, और OIS का सपोर्ट भी यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब विदाउट गिम्बल भी यहाँ पर जो है अच्छा खासा वीडियोग्राफी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करें तो 4K 30 FPS पर यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर फ्रंट कैमरे के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है हमें 32 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर XMORE RS सेंसर देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो है फ्रंट कैमरे से अच्छा खासा यहाँ पर सेल्फी वगैरह आप लोग ले सकते हैं, और यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पर जो है फुल HD 60 FPS पर यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन नथिंग फोन 2A में देखने को मिलता है, और ये फोन दोस्तों लॉन्च नहीं हुआ है तो लॉन्च बहुत जल्द हो जाएगा, और यहाँ पर दो कलर में हमें देखने को मिलता है व्हाइट एंड ब्लैक, और यहाँ पर जो है अलग अलग वेरियंट में हमें देखने को मिल जाता है, अलग अलग 3 वेरियंट देखने को मिलता है, 8 GB 128 GB, और साथ में 8 GB 256 GB और 12 GB 256 GB। तो यहाँ पर आप अपने नीड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है स्मार्टफोन को चूज कर सकते हैं, और थोड़ा सा सोच समझ कर ही यहाँ पर जो है अपने लिए जो स्मार्टफोन है वो सिलेक्ट करना, क्योंकि बाद में आप जो है यहाँ पर एक्सपेंडेबल का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पर एक्सपेंड वगैरह नहीं कर सकते हैं, वरना बाद में आपको रोना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से यहाँ पर स्टोरेज वगैरह सिलेक्ट करना, और जितने भी वेरियंट है सभी वेरियंट में जो है 8 GB करके वर्चुअल रैम देखने को मिलता है, तो यहाँ पर रैम का कमी आप लोगों को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। और जो ये स्मार्टफोन है दोस्तों ये जो है आप लोगों को जो नथिंग फोन 1 है उससे थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा, और जो नथिंग फोन 2 है उससे यह थोड़ा सा, मतलब दोनों के बीच का ये
स्मार्टफोन आप लोग कह सकते हैं। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो से हेल्प मिला तो डेफिनेटली एक लाइक कर देना, चैनल पर पहले बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।